आप तैयार हैं अपहरण होने के लिए? हम जानते हैं इस समय आप हमारा अपहरण नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपकी सोच के पीछे क्या आधार है आपका? यदि आपको ध्यान नहीं होगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बड़ों में से अधिकतर लोग हमारे साथ हैं, इसलिए उनमें से तो कोई नहीं रोकेगा हमें। हमें विश्वास है उन पे। किस पर? भगवान पे, जिनकी आप भी पूजा करते हैं और हम। और कम से कम आराध्य की पूजा में आप विघ्न नहीं डालेंगे। हमने ऐसे क्या कह दिया जिससे आप मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे आपने देखा आप हमें कितना जानती है, कितना समझती है। चुप ही हो जाइए कुलप्रताप। सुगंध देखिए, देखिए हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं। जब तक आपसे विवाह करके हम आपके कान्हा जी के मंदिर से आने वाले शंखनाद की आवाज की प्रतीक्षा करें। जब कुंवर प्रताप आपको अच्छे लगते हैं, जब उनके सारे परिवार को आप अच्छी लगती हैं, जब वे सभी आपका कुंवर प्रताप का विवाह चाहते हैं, तो फिर समस्या क्या है? हे भगवान, पूजा का समय निकला जा रहा है और यहाँ पे हमसे माला नहीं गुथ रही है। हमारी सहायता करिए भगवान जी। लगता है ईश्वर ने आपकी सुन ली। पहले हमें बताइए कि आपको हमारी ये माला कैसी लगी? बहुत सुंदर कुथी है आप। देखा, हम कोमल भावनाओं का भी ध्यान रख सकते हैं। से दूर रहने की सदबुद्धि दे दीजिए। हाँ भगवान जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप अजबदे को सदबुद्धि दीजिए ताकि वे अपने मन की बात मान जाए। क्या भगवान जी, ये कभी नहीं मानेंगे अपने मन की बात? कभी नहीं? प्रताप, ये आप क्या कर रहे हैं? हम भगवान जी से बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने आपकी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर आज रात चमत्कार देख लीजिएगा।
पीछे क्यों घूम रहा है? अजबदे, हमने अभी अभी सात पग साथ साथ चले, आप तो कई विवाह में गई होंगी, इसलिए सात पग साथ साथ चलने का अर्थ आप भली भांति जाती होगी। कुंवर प्रताप, हम केवल इतना जानते हैं कि कल हमारी सगाई है किसी और के साथ, अब आप जा सकते हैं और हम देखते हैं आप हमें हमारी सगाई से पहले कैसे हमारे कक्ष के बाहर हमें निकालते हैं। आपको क्या लगता है शब्द, ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है? जब हमने उस मुगल से अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है? आप कह रही हैं इसी ले जा रहे हैं। हम जानते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे शत्रु से जाकर पूछ लीजिएगा शब्द, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सियासी मुआमलात में औरतें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। शहंशाह, इस वक्त आपने मुगलिया सल्तनत में अपने बाद सबसे अहम और लाजिम शख्स को जंजीरों में कैद कर रखा है और आप अब भी इसे एक मामले सियासी मामला कह रहे हैं? हाँ जलाल, जिसने बचपन से लेकर आज तक आपको अपने खास शागिर्द के मानी हर फन सिखाया, तीरों तलवार के पेशो खम समझाए, हर जंग में आपके लिए अपना खून बहाया, उसके साथ ये सलूक, आखिर बात क्या हुई है जो आप इनके साथ ये सलूक कर रहे हैं? बैरम खान, आप ही बता दीजिए, आपने ऐसा क्या कर दिया है? नहीं नहीं, एक गद्दार को शहंशाह के सामने बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाँ, गद्दार है ये। इन्होंने प्रताप की तमाम नाकाबिले बर्दाश्त साजिशों और हरकतों को हमसे छिपाया है। जिस अलवर और अजमेर को हमने फतेह किया था उसी को प्रताप ने दोबारा अपने कब्जे में कर लिया है और उसी खौफनाक खबर को इस गद्दार ने हमसे छिपाया है और आज तमाम राजपुताने में रुस्वा हो चुके हैं। रुस्वा जी तो करता है कि इन्हें यही गला दबोच के मार दे। संभालिए अपने आप को शहंशाह। क्यों संभाले हम खुद को? हाँ क्यों संभाले? क्या आपको पता था क्या कर रहे थे ये? सारी रियासतें, सारे कले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए, ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। क्या आपको पता था अम्मी जान,
कुछ नहीं जानता। कोई कुछ नहीं जानता शहंशाह। हमने जो कुछ भी किया अपनी रूह की आवाज सुनकर किया। मुगलिया सल्तनत के लिए और अपने मुल्क की बहबूदी के लिए किए, ना कि राजपुताने के लिए। बस बस। अब अगर एक एक लफ्ज सुबान से निकाला आला तो यही यही जान दे लेंगे आप। इस बात का फैसला दरबार आले आप होगा। ये लकड़ी का साधारण द्वार हमें रोक सकता है। जब उस मुगल से हमने अलवर वापस लिया था तब हम किले का मुख्य द्वार तोड़कर भीतर गए थे, तो फिर हमारे सामने ये साधारण सा द्वार क्या है? हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि कौर प्रताप को मिलेंगे ही नहीं तो अपहरण किसका करेंगे वे? जितनी जल्दी जितनी दूर निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। खोज ही नहीं पाएंगे कोई पिता हमें। सुना है कल सगाई है सामंत की बेटी की, सोने के भारी आभूषण आए हैं चित्तौड़ से। अच्छा अवसर है। कौन हो सकता है इतनी रात गए? सरदार, ये तो सावंत की बेटी अजबदे है। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। Thank you.
क्या हमने आपको इतना डरा दिया था? हर कही हुई बात की नहीं जाती अजब्दे, हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते हैं? अजब्दे, हमें महल लौटना चाहिए। नहीं कोविता, हमें उस मार्ग से वापस नहीं जाना चाहिए। बरसात बहुत तेज हो रही है, और यदि वो कंडे वापस मिल गए तो हमें नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अच्छा, अपने अपहरण करने वाले के साथ? कोविता, ऊट पटांग बातें छोड़िए और ये जो पानी टपक रहा है उसको रोकने की व्यवस्था करिए। अजब्दे अपने कक्ष में नहीं है, कहां गए होंगे? राव मामरख जी, चिंता मत कीजिए, हम अपने सुरक्षा सैनिक और गुप्तचरों को अभी भेजते हैं, वो तुरंत ढूंढ लेंगे अजब्दे को। रानी सा बाउचर अपने कक्ष में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अजब्दे कुंवर प्रताप के साथ है, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बिजोलिया के लिए बड़े ही शुभ दिन है, हमारी सामान पुत्री की सगाई है आज, बहुत ही खुशी की बात है, चलो चलें। पता हमें चलना चाहिए, महल में सब हमारी चिंता कर रहे होंगे, चलिए। हाँ सुनिए, इस घास से आप अपना मुंह ढक लीजिए, आपको बिजोलिया में सब जानते हैं, ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके, गाय है क्या? नहीं नहीं, बिल्ली, वो भी खेसियान। चलिए, क्या बात कर रहे हैं राव जी? अजब देव का विवाह हमारे पुत्र से हो रहा है। सूरजमल जी, हम आपको वचन दे चुके हैं, फिर भी आप संदेह कर रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। राव जी के कहने का तात्पर्य ये नहीं, वे बस ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप के होते हुए अजब दे तो क्या, किसी पर भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अच्छा, तो आपका ये मतलब था। राव जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कहीं कुंवर प्रताप ने अजब दे का अपहरण तो नहीं कर लिया? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। देखा जीजा, जो कुंवर प्रताप ने कहा कर दिखाया।
चलिए, अंत भला तो सब भला। सगाई की तैयारियां शीघ्र से शीघ्र कीजिए। एक क्षण, क्या आप लोगों को ये जानने में रुचि नहीं कि कल सारी रात अजबदे कहां थी? जब वो आ चुके हैं तो इधर उधर की बातें करने का क्या लाभ? अजबदे, आप भीतर जाएं। संस्कारों के आरंभ से पहले आप विश्राम कर लीजिए। जाइए। हमें उस गाय के बाड़े वाले की हुई हानि की भरपाई कर देनी चाहिए। गुरुदा, बहुत कुछ नष्ट हो गया होगा उनका इस बरसात में। हम जानते थे कि आप यही सोचेंगे। जब आप भीड़ में छिपछिपा रही थी तब हमने उसके नुकसान की भरपाई कर दी थी। आप लेकर गए थे इन्हें, तो वापस क्यों ले आए? सगाई का मुहूर्त निकलने के बाद लाते प्रताप। क्या करें रानी मैं, आपने हमें संस्कार ही कुछ ऐसा दिए कि भुलाए नहीं बोलते। और सच में अपहरण तो हम वैसे भी नहीं करते, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। हमने कहा था ना हंसा, हम जानते थे। हमने तो सोचा कि इन्हें अंतिम बार मनाने का प्रयास करें। इन्हें डराया भी, धमकाया भी, पर ये इतनी दृढ़ मन वाली निकली कि अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं हटी। अंतिम बार पूछ रहे हैं आपसे, एक बार फिर सोच लीजिए। हमने सोच लिया है। आप लोगों को सगाई की तैयारियां नहीं करी? चलिए। हम तो आपका अपहरण कभी नहीं करने वाले थे। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे हम विवाह कैसे कर सकते थे? इसका अर्थ ये हुआ कि अजब देख कुंवर प्रताप के साथ हाथ, तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं। आपको पता है आप क्या खो रही हैं? रमा, हम जानते हैं रमा क्या खो रहे हैं, किसे खो रहे हैं? उसे संभवतः जैसा उससे भी अधिक जानते हैं। मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी कोई भी ये कह सकता है कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है।
आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब्ते जी, आपसे विवाह करके। मामरा जी, अब जब अजबदे आई गई हैं, तो भीन राजा को ही बुलवा लीजिए। बस वो आ ही रहे होंगे। एक बात कह रहा हूं मामरा जी, जी अपने समधी जी को समझा दीजिएगा कि विवाह में इतनी देर ना करें, अभी तो मात्र सगाई है और अभी से। राणा जी हम स्वयं जाके देखते हैं, आने में विलंब क्यों हो रहा है। राव जी, राव जी क्या बात? अनर्थ हो गया राव जी, वो तोरणमाल आज भाग गए। देवी ने हमारे मन की बात सुन ली। किस तरह के पिता हैं आप सूरजमल जी? अपने समधियों के सामने आप आकर बता रहे हैं कि सगाई से पहले आपका बेटा भाग गया? जाइए, किसी भी तरह से अपने बेटे को ढूंढ के लेकर आइए। हनी साजिद, उनको कैसे? अब आपके मन में राजा मालदेव का कोई भय नहीं रहा? ठहरिए सूरजमल जी, बींद राजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप हमें क्षमा करें, हम पुत्री के पिता हैं, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सगाई से पहले भाग जाता है वो विवाह के बाद भागेगा नहीं? आपने हमारी भावनाओं को समझा, हम इसका बुरा नहीं मानेंगे। आप में से किसी को नहीं पता कि हमने इस विवाह के लिए तोरणमल को कैसे मनाया, लेकिन उसके बाद भी कुंवर प्रताप का भय उनके दिल से नहीं निकाल सके। ये बिल्कुल सच है, तोरणमल के मन में ये बात घर कर गई है। कुंवर प्रताप अजबदे के साथ विवाह करना चाहते हैं। अजबदे से विवाह करने जैसी छोटी बात के लिए हम कुंवर प्रताप से शत्रुता मोल नहीं ले सकते। और उसका परिणाम देखते हुए वो बहुत भयभीत है। फिर तो हम तोरणमल जी को दोष नहीं देंगे। जब सामने कुंवर प्रताप प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो तो तोरणमल क्या, कोई भी मैदान छोड़कर भाग जाएगा। और वैसे भी तोरणमल का हृदय बहुत ही कोमल है। लेकिन मामरख जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना कि जब आप अपनी बेटी अजबदे का विवाह तोरणमल के साथ करवाने वाले थे तो कम से कम विवाह होने तक आप कुंवर प्रताप को अपनी बेटी से दूर रखते। उमा देवी जी, आप हमारी नीयत पर लांछन लगा रही हैं। पहले जो हुआ सो हुआ, किंतु हम अपनी पुत्री को अच्छी तरह से जानते हैं। वो धर्म के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेगी, वो आज भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। आप हमें अच्छी तरह से जानती हैं उमा देवी जी, अगर हम चाहते
तो कुंवर प्रताप के सामने किसी भी प्रतिद्वंदी को खड़ा नहीं होने देते। वो तो हम राव मामरख जी के वचन का मान रख रहे थे, और इस सब के उपरांत भी आप हमारे और अजबदे के ऊपर ही दोष मढ़ रही हैं। रानी सर, एक अरज है हमारी, अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आप हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप तोरणमल जी के पास जा रहे हैं तो आपको शीघ्र और बहुत अधिक गति से दौड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं, वे भाग गए इसलिए आप बहुत प्रसन्न हैं। यही योजना थी ना आपकी, सफल हो गए आप। अब ये तो अन्याय कर दिया आप हमारे साथ। अब यदि वो डर के भाग गया तो इसमें हम क्या करें? गलती सरासर आप दोनों की है। कितनी छूट दे रखी है आपने अपनी बेटी को। इतना भला और कुलीन लड़का था तोरणमल, लेकिन भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसे आपकी बेटी पर विश्वास नहीं रहा। मां देवी जी, अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई है। मामरख जी, आपको क्या लगता है कि ये बात इतनी साधारण है कि इस महल की चार दीवारियों में समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब तो सारा बिजोलिया जानेगा कि कैसे आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। हमें ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़की की मर्यादा पर जब संशय की छींटे पड़ती है ना, तो क्या रह जाता है उसका भविष्य। सच में हमें तो आप दोनों पे बहुत तैयारी। अब भले कौन से भले घर का लड़का आपकी बेटी से विवाह करेगा, जिसकी सगाई होने से पहले ही उसका होने वाला बीवी उसे छोड़कर भाग गया। पता नहीं कौन से सपनों के संसार में आप दोनों रहते हैं। आप लोगों ने इन पर भरोसा किया? ये राजपुताने का सबसे कुलीन परिवार है मामरख जी। आपको क्या लगता है ये अजबदे को अपनी बहू बनाएंगे? हाँ, अगर हम इनकी जगह होते ना तो ऐसा अनर्थ कभी नहीं करते, जबकि हम जानते हैं कि आपने उनका रिश्ता ठुकरा दिया था। अब क्या विकल्प रह गया आपके पास? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि अब आपकी बेटी का सारा जीवन बिगड़ चुका है। बस उमा देवी जी, देवी जी। बहुत हो गया, अब एक और शब्द सुनना नहीं चाहते हम अजबदे के विरुद्ध। कुंवर प्रताप, अब आप बातें मत बनाइए। आपने हमें वचन दिया था ना कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, फिर क्यों तोड़ा आपने अपना वचन? अरे बात तो की ही नहीं हमने तोरणमल जी से, यहाँ तक कि हमने चक्रपाणी तक को कह दिया था कि सगाई तक तोरणमल जी के पास ना जाए। सच? अच्छा, सच बताइए कुंवर प्रताप, कुछ नहीं किया था आपने उनके साथ? कुछ किया तो नहीं, पर जब हम वापस आ रहे थे तब संभवतः हमने एक बार बड़ा घूर के देख लिया था उन्हें। देखा कुंवर प्रताप, आ गई ना बात सामने। क्यों देखा आपने हमें? क्यों? ये क्या कह रही आप अजबदे? आप उनके साथ विवाह नहीं होने पर पछता रही है, जो हमारे देखने मात्र से ही डर के भाग जाता है। कैसी राजपुतानी आप अजबदे? अब तो हमें भी आपके साथ विवाह करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या? अरे रे, बुरा लग गया? नहीं नहीं,
बिल्कुल नहीं। हम पूछते हैं किस बात के लिए बदनामी होगी अजब्दे की? तोरण मलजी यहां विवाह करने के लिए आए और सगाई होने से पहले ही यहां से भाग गए। इसमें बदनामी अजब्दे की नहीं, आपके सामंत के बेटे की हुई है। और रही बात बिजोलिया के लोगों की, तो बिजोलिया का बच्चा बच्चा प्रेम करता है अजब्दे को, और सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से निकले, अजब्दे अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगी, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ेगी। जयंतबाई जी, नहीं राणा जी, हमें बोलने दीजिए। और रही बात अजब्दे के भविष्य की, उनके विवाह की, तो हम महारानी जयवंताबाई आप सब लोगों के सामने अपना आंचल फैलाकर राव मामरख जी और हंसा से हमारे पुत्र कुंवर प्रताप के लिए उनकी बेटी अजब्दे का दान मांगते हैं। हमने सुना था मामरख जी ने स्पष्ट शब्दों में राणा उदय सिंह जी को ना कह दिया था। क्या आपके पति का अपमान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है जयवंता जी? उमा देवी जी, राव मामरख जी हमारे भाई जैसे हैं, और भाइयों के बीच मान अपमान नहीं होता, मात्र स्नेह और विश्वास होता है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि राव मामरख जी अपना राजपूत धर्म निभा रहे हैं, अपनी मर्यादा निभा रहे हैं। इसलिए आज हम जयवंताबाई जी के समान आप दोनों से अपने पुत्र कुंवर प्रताप के लिए हाथ जोड़कर कन्यादान मांगते हैं। प्रताप की छोटी मां होने के नाते हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं। धीर भाई जी, आप इस ओर नहीं आएंगे। धीर भाई जी, हम भी कुंवर प्रताप के लिए आपसे अजब्दे का हाथ मांगते हैं।